अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम योर टीचर ज़ुहैब खान साफ़ी फ्रॉम मेंटर 360 पीके। टुडे आई गोना टू टीच यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आई विल टीच यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड उर्दू टाइपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सब एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग जितने भी लिखने का काम होता है वो हम लोग करते हैं। मतलब ये कि आप लोगों ने CV बनानी हो, आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखनी हो, आप लोगों ने थीसिस लिखने हो, आप लोगों ने लेटर्स लिखने हो, आप लोगों ने एप्लीकेशंस लिखनी हो, कोई भी प्रोफेशनल लिखने का जो काम होता है आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। सो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जाने से पहले उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एनवायरनमेंट क्या है, तभी आप लोग उसमें प्रॉपर तरीके से आसानी से काम कर सकेंगे। तो ओपन करते हैं उसके एनवायरनमेंट को। स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन जो है वो सामने स्क्रीन पर अपीयर हो चुकी है। तो ये टॉप ऑफ द स्क्रीन जो है ये आप लोग का क्लोज का बटन है, ठीक है। इससे आप लोग की कोई भी फाइल जो है वो बंद हो जाती है। ये जो आप लोग के सामने ये स्क्वायर की शेप में है, इसको हम लोग रिस्टोर का बटन कहते हैं, ठीक है। रिस्टोर के बटन से आप लोग की स्क्रीन जो है छोटी या बड़ी होती है। इसके साथ जो है ये आप लोग का मिनिमाइज़ का बटन है। आप लोग की स्क्रीन जो है नीचे टास्क बार पर चली जाती है, और जब दोबारा से उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोबारा से अपीयर हो जाती है। उसके बाद ये जो यहाँ तक ये जो पट्टी बनी हुई है, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी फाइल आप लोग ओपन करेंगे उसका नाम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जिस नाम से आप लोगों ने सेव की होगी। उसके बाद आप लोग के पास ये आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं? देखें, नाम से ही जाहिर है, क्विक एक्सेस टूल बार, आसानी से रसाई वाली टूल बार। मतलब ये कि आप जो फंक्शन बार बार यूज़ करते हैं उसके लिए आपको कभी कहाँ जाना पड़ता है तो कभी कहाँ, तो आप उसको सामने टॉप ऑफ द स्क्रीन जो है वो लेकर आके उसको क्विकली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आप लोग को वर्क के साथ साथ मैं समझाऊँगा। उसके बाद ये होम से लेकर ये व्यू तक आप लोग की रिबन टैब्स हैं। क्या है? इसको आप लोग सिंपल जो है टैब्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टैब्स। और ये जो नीचे है ये रिबन है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये हमारे पास रिबन है। तो ये ऊपर हमारे पास होम से लेकर व्यू तक हमारे पास टैब्स हो गई, और इसके नीचे जो है हमारे पास रिबन होती है। अब हमेशा याद रखना है कि हर एक टैब की अलहदा से रिबन होती है। अब जैसे कि होम के ऊपर क्लिक है तो उसके साथ उसकी रिबन जो है ये अपीयर है। अब इंसर्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसकी रिबन जो है वो अलहदा से शो होगी, और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो वो हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे। अभी फिल वक्त मैं आप लोग के सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एनवायरनमेंट, वर्ड का एनवायरनमेंट ही वो डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आप लोग के सामने है ये आप लोग के पास रूलर्स हैं। इससे आप लोग अपने पेज को माप सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आप लोग के पास वर्टिकल रूलर है, ठीक है। अब ये जो है आप लोग के पास, ये जो आप लोग के सामने अपीयर हो रहा है, ये आप लोग के पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होती है? वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप लोग अपने पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास ये जो बटन है ये, इसको हम लोग जूम टूल्स कहते हैं। इसको हम लोग जूम टूल्स क्यों कहते हैं? कि हम लोग अपने काम जब कर रहे होते हैं, हम अपने चीज़ को जो भी लिखा हुआ होता है या जो भी काम होता है, हम उसको जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये टूल बनाया गया है कि जिनकी आई साइट का इशू होता है, तो वो अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको जूमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू बटन्स हैं। व्यू बटन्स से आप लोग डिफरेंट एंगल से अपने पेज को देख सकते हैं। उसके बाद है ये स्टेटस बार, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ तक ये पूरी स्टेटस बार होती है। अब स्टेटस बार में क्या होता है? स्टेटस बार में आप लोगों को, आप लोगों ने जितना भी काम किया होता है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब ये कि आप लोगों ने कितने पेजेस इस्तेमाल किए हुए हैं, कितने वर्ड्स आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। अच्छा, ये जो वाइट एरिया है ये आप लोग का मेन एरिया होता है, जहाँ पर आप लोग एक्चुअल में वर्क करते हैं। इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये जो वाइट है,
आप जो काम करेंगे वो एक्चुअली में यहाँ पर ही करेंगे। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आप लोग के सामने प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। जी तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग के सामने मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। अब आपने घबराना नहीं है, मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड है वो दूसरा वर्जन है, और जो मैंने इससे पहले जो आप लोग के सामने किया था वो भी मतलब चीज़ें सेम ही है। ये देखिए, ये क्लोज का बटन है, ये रिस्टोर का बटन है, ये मिनिमाइज़ का बटन है। इन तीनों को कलेक्टिवली विंडो कंट्रोल बटन्स में कहूँगा। ये मेरी आ गई टाइटल बार, ये मेरे पास आ गए टैब्स। देखिए आप, इंसर्ट की टैब की अलग सी ये रिबन है, ये होम के टैब की अलग सी रिबन है, डिज़ाइन की ये अलग सी रिबन है। अब हर एक टैब के नीचे जो है, हर एक टैब की अलग सी रिबन होती है और उसमें अलग से ग्रुप्स होते हैं। देखिए, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है, और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे। अब ये आ जाती है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन बार बार परफॉर्म करना हो, उसके लिए आपको कभी इस टैब पे जाना पड़ता है, कभी इस टैब पे जाना पड़ता है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है, आप लोग अपने वक्त को बचाने के लिए उसको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे ला सकते हैं। ये आप लोग का जो वाइड स्क्रीन है, ये दिस इज़ योर मेन वर्किंग एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा ये क्लिप बोर्ड का कंप्लीट ग्रुप, इसके बारे में आप लोग को सिखाऊंगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी पाकिस्तान, मैं ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ साइज इसका, पाकिस्तान। ठीक हो गया, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। अब ये कट का फंक्शन, आप ये जो कट लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट करना है। जो भी फंक्शन आप लोगों ने परफॉर्म करना है, उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। अब कट मैं यहाँ से दबाता हूँ। अब आप लोग के जहन में तो यही आ रहा होगा कि कट मतलब ख़त्म। नहीं, कट का मतलब हमेशा ये होता है, कट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, कट का फंक्शन हमेशा एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो सामने स्क्रीन से तो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं क्लिक कर देता हूँ डबल, ये नीचे ये मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिप बोर्ड के ग्रुप से इसको पेस्ट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ यहाँ पे था, वहाँ से यहाँ पे आ गया। अब मैं दोबारा आप लोग के सामने इसको करता हूँ, ये देखिए कट कर दिया। अब मैं सपोज़ इसको यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट के कट का फंक्शन जो है हमेशा हमारा एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए यूज़ होता है। सो हाउ मैनी वेज टू कट एंड पेस्ट द फाइल्स, देयर आर थ्री वेज टू कट एंड पेस्ट द फाइल्स। एक तरीका तो मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग जो जिस चीज़ को भी कट करना चाहें या पेस्ट करना चाहें, आप यहाँ से क्लिपबोर्ड के ग्रुप से कट करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आप लोग राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे, जहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करना हो राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, ये शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोग के सामने लिखी हुई हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादातर ये शॉर्टकट कीज़ का ही इस्तेमाल करके फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर देना और कंट्रोल और एक्स का बटन एक साथ प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है और एक्स का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, अब जहाँ पे भी आप लोगों ने इसको मूव करना हो, वहाँ पे जाके आप लोगों ने कंट्रोल और वी का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कट एंड पेस्ट, द शॉर्टकट की फॉर कट इज़ कंट्रोल एक्स एंड द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इज़ कंट्रोल वी। सो देर आर थ्री वेज टू कट एंड पेस्ट द फाइल। फर्स्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड ग्रुप वी कैन कट एंड पेस्ट द फाइल, एंड सेकेंड बाय राइट क्लिक वी कैन कट एंड पेस्ट द फाइल, एंड थर्ड बाय शॉर्टकट की वी कैन कट एंड पेस्ट द फाइल। अब जो तीसरा है वो है कॉपी। किसी भी चीज़ की कॉपी बनानी हो तो उसके लिए भी हमारे वो हम लोग कैसे बनाएंगे उसके भी उसका भी तरीका मैं आप लोग के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान मैंने लिखा हुआ है,
इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितनी मरतबा मैं इसको पेस्ट करूँगा उतनी मरतबा इसकी कॉपी बनती जाएगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कॉपी का फंक्शन। ठीक है, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर देना। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल ये पार्क मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कॉपी बनाना चाहूँ। इसका भी दूसरा तरीका यही है कि शॉर्टकट की से आप राइट क्लिक करके कॉपी करें। अब मैंने सिर्फ पार्क सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करेंगे तो आप लोगों का जो है वो देखें वो पेस्ट होता जा रहा है। अब तीसरा तरीका क्या है कि आप लोग ये करें कि शॉर्टकट की से कंट्रोल सी है कॉपी की, शॉर्टकट की कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से आप लोग पेस्ट करते जाएं तो उतनी मरतबा उसकी कॉपी बनती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि कट कॉपी पेस्ट जो है इसके फंक्शंस को आप लोग का पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि किन तरीक़ों से ये आप लोगों के पास जो है ये फंक्शंस जो है ये परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, या बल्कि मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं खान लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका राइटिंग साइज़ सबसे पहले जो है यहाँ से इसका मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। अब यहाँ से मैं इसका राइटिंग स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सपोज़ ये मैंने राइटिंग स्टाइल भी इसका चेंज कर दिया। अब यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब सपोज़ आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका बॉस या आपका टीचर आपको कहता है कि ये सेम राइटिंग जो है आपने नीचे तमाम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। सो आप क्या करेंगे, आप इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ से उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करेंगे, उसके बाद उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ से उसका राइटिंग कलर चेंज करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क और टाइम कंज्यूमिंग वर्क है ये आपका। आया ऐसा कोई फंक्शन है कि ये ऊपर वाला राइटिंग स्टाइल जो है बिल्कुल सेम जो है नीचे अप्लाई हो सके? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, वो है फॉर्मेट प्रिंटर। बहुत ही आसान है, जिस राइटिंग स्टाइल को आपने कॉपी करना है सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जिस टेक्स्ट को आपके ऊपर आपने उसके अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके छोड़ दें, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ दिस टेक्स्ट। ये आप लोग इस तरीके से कॉपी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर, देन जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके माउस से छोड़ दें, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की कोई है? जी बिल्कुल है, अगर आप लोगों ने किसी राइटिंग की को अप्लाई करवाना है सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट किया और उसकी शॉर्टकट की क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर की कंट्रोल शिफ्ट सी। कीबोर्ड से आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और सी एक साथ दबा देना, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस रखना और एक मरतबा सी प्रेस कर दें। प्रेस कर दिया, अब ये नीचे इसके ऊपर जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर दें और कंट्रोल शिफ्ट वी अगेन रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेट प्रिंटर पेस्ट की शॉर्टकट की है, इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है फॉर्मेट प्रिंटर को भी शॉर्टकट की से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि कंट्रोल सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसका आप लोगों ने फॉर्मेट कॉपी करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है और जिसके ऊपर लेकर जाना है उसको सिलेक्ट करके आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट वी का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो राइटिंग स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट के बारे में बताया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग को होम के टैब से फर्स्ट जो ग्रुप था क्लिपबोर्ड का ग्रुप, ये मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के फर्स्ट लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोग इसकी ज़रूर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, तब के प्रैक्टिस के बग़ैर ये लेक्चर जो है ये फजूल है लेना। और जब तक आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग इसको प्रैक्टिकली
आप लोग अपने वर्क में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।